हेलो दोस्तों, तो आज का नया व्लॉग है रानाघाट हबीबपुर इस्कॉन मंदिर। तो आइए चलते हैं इस मंदिर में घूमने। आज शाम को हम लोग निकले थे, शाम नहीं लगभग 3 बजे के करीब घर से, और 30 मिनट लगती है जाने में मंदिर तक। तो हम लोग तो रानाघाट से मतलब गए थे, और आप लोग अगर चाहे तो ट्रेन से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आने की सुविधा है। शांतिपुर लोकल से आप लोग हबीबपुर उतर सकते हैं। तो आप लोग स्टेशन में उतर के टोटो या ऑटो पकड़ के हबीबपुर इस्कॉन मंदिर में आ सकते हैं। तो हम लोग रानाघाट मार्केट से निकल के मेन हाईवे पे, हाईवे से सीधा मतलब रास्ता है 4 लाइन जो कि चल रही है। तो कहीं कहीं रास्ते में मतलब रास्ता कहीं अच्छा भी है, कहीं खराब भी है, क्योंकि रास्ते में भी काम चल रही है। तो रास्ता जब तक नहीं बन सकता है तब तक तो प्रॉब्लम ही है लोगों को आने जाने में, थोड़ी तो दिक्कत होगी ही। फिर रास्ते अच्छे हो गए थोड़ी दूर चलने के बाद। तो कहीं कुछ दूर आने के बाद रास्ते तो अच्छे ही दिख रहे हैं, लग रहा है इधर रास्ता बन गया है और उधर काम चल रहा है अभी फिलहाल। लगभग हम लोग आधा रास्ता तो आ ही चुके हैं और थोड़ी दूर बाकी है मंदिर आने में, बस और 5 मिनट चलने से बाएं साइड में जो रास्ता आपको दिख रही है उसी रास्ते से आपको जाना है, और फिर दाएं साइड मुड़ जाना है। दाएं साइड में ही इस्कॉन आपको दिखेगा मंदिर। तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करना पड़ेगा और टिकट भी काटना पड़ेगा, 10 रुपीस टिकट का दाम है। तो हम लोग मंदिर का सामने आ चुके हैं, अब हम लोग मंदिर में अंदर चलेंगे। फिलहाल तो अभी मंदिर बंद है क्योंकि अभी मंदिर खुलने का टाइम नहीं हुआ है। तो मंदिर तो बहुत ही अच्छा लगा हमको, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और मंदिर तो अभी खोलने का टाइम नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले ही पहुंच चुके थे, लगभग आधा घंटा पहले पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे दुकान है, स्वीट्स का दुकान है, बहुत सारे मिठाई मिलते हैं बहुत तरह के, और बगल में एक फास्ट फूड का दुकान है जो कि वेज है, नॉन वेज कुछ नहीं मिलेगा आपको। और साइड से एक रास्ता जो जा रहा है उधर सीधा जाने से आपको रसोई घर दिखेगा, वहाँ पे कृष्ण जी का भोग बनता है यानी प्रसाद, जो वहाँ पे भोजन करते हैं सभी। ये भोजन बनाने का रसोई घर है। यहाँ पे भोजन बनता है बहुत सारे, अभी तो फिलहाल भोजन बन चुका है क्योंकि हम लोग शाम को मतलब आए थे 3-4 बजे के करीब, और दोपहर में मतलब यहाँ पे प्रसाद मिलता है सबको। आप लोग चाहे तो यहाँ आके दोपहर का टाइम में प्रसाद खा सकते हैं, यहाँ बैठने का जगह है प्रसाद खाने का, और साइड में हाथ भी धो सकते हैं आप लोग, हाथ धोने का भी जगह है। और ये जो दिख रहा है ये होटल है वहाँ का, जो मतलब बाहर से जो घूमने आते हैं यहाँ रह सकते हैं। और आसपास का भी परिवेश दृश्य बहुत अच्छा है, शांत स्वभाव है, मतलब मन बहुत शांत हो जाता है वहाँ जाने के बाद, क्योंकि भगवान का जगह है वो, तो शांत होना ही है मन, मतलब कैसा भी रहे, अच्छा रहे खराब रहे,
बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाने से। और फिर साइड में ये गौशाला है, गौशाला में तो गाय एक भी नहीं देखी मुझे, अभी तो पूरा खाली है गौशाला। और बगल में दुकान दिख रहा है एक, जो कि शायद यहीं का दुकान है। और यहाँ पे तो कोई है नहीं, सिर्फ घी का डब्बा दिख रहा है। और क्या बताएं, यहाँ तो कुछ कोई है ही नहीं कि कुछ पूछे हम लोग। और साइड में जो ये दिख रहा है आपको, ये गाय का जो दाना पानी होता है, और उसके बगल में कुछ फूल के पौधे लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं है, बस थोड़े कुछ हैं फूल। और फूल इतना मतलब खूबसूरत लग रहे थे शाम का टाइम में, बहुत ही अच्छे लग रहे थे फूल देखने में, सब खिला खिला फूल है थोड़े बहुत। दिख रहा है तालाब में, यहाँ पानी तो कम है, और पिछले साल हम लोग आए थे तो बहुत पानी था, इस साल बहुत कम है पानी, तो इसके कारण बोट नहीं चल रही है, बोट बंद है। साइड में ही बोट टिकट काटने का काउंटर भी है यहाँ पे। तो इतना देर तक हम लोग तो मंदिर के पीछे घूमे, गार्डन, फूल का जो गार्डन है इधर घूमे, उसके बाद अब ये रास्ते से सीधे हम लोग मंदिर की ओर चलेंगे। तो मंदिर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, मंदिर खुल गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदिर के अंदर प्रवेश करके, मन को भी बहुत शांति मिल रही है। और उतना तो अभी भीड़ है नहीं, क्योंकि जस्ट मंदिर अभी खुली ही है, तो धीरे धीरे शाम तक बहुत ही भीड़ हो जाती है। तो हम लोग भगवान जी के दर्शन तो कर लिए, प्रसाद भी दे रहे हैं, प्रसाद ले चुके हैं हम। तो हम लोग तो भगवान जी के दर्शन कर लिए, अब पहाड़ की ओर निकल गए हैं हम लोग, अब घर की ओर चलेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल।